विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग या इसे क्रिकेट का महाकुंभ कहें, यानी इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें एडिशन के आयोजन पर एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है जिससे अब हर क्रिकेट फैन को ये लग रहा है कि क्या ये लीग हो पाएगी। दरअसल आपको बता दें कि शुक्रवार को आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे से एक चौंकाने वाली खबर सामने। दाएं हाथ के एक भारतीय तेज गेंदबाज के साथ करीब 12 सहयोगी स्टाफ कोरोना वायरस की जांच में पॉजिटिव पाए गए। 19 सितंबर से लीग यूएई में शुरू हो रही है और टीम को मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहला मुकाबला ही खेलना। दरअसल आईपीएल के स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपीज के मुताबिक जिन सदस्यों को टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया है उन सभी को कम से कम अगले 2 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। उनके 2 टेस्ट करवाए जाएंगे, रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही वो टीम के साथ दोबारा जुड़ जाएंगे। एक सूत्र ने यह भी बताया कि कुल 12 सदस्यों को संक्रमित पाया गया है जिसके बाद पूरी टीम को क्वारंटीन करने के लिए कहा गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये सभी चेन्नई में आयोजित कैंप के दौरान ही संक्रमित हुए हैं। बाकी टीमों की तरफ से बीसीसीआई को इस बात का आग्रह किया गया है कि यूएई में खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर एक बयान तो जारी कीजिए, बात सही है बाकी फ्रेंचाइजीज की भी, क्योंकि सीएके के और भी स्टाफ पॉजिटिव पाए जाते हैं तो पूरी की पूरी लीग कैंसिल हो सकती है। क्योंकि अगर एक टीम के खिलाड़ी अगर मैच खेलते हुए नजर आएंगे तो खिलाड़ी गेंद को भी छुएंगे जिससे बायो सिक्योर एनवायरमेंट के जो रूल्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। यही वजह है कि अब क्वारंटाइन पीरियड बढ़ा दिया गया। हालांकि खबरें ये भी हैं कि जब आईसीसी इस बात को संज्ञान में लाएगा तो क्या आईपीएल पर कोई एक्शन होगा। फिलहाल ये सब कुछ बीसीसीआई के अंडर है और बीसीसीआई ये भी कोशिश कर रहा है कि अब लीग को 3 चरणों में ऑर्गेनाइज कराया जाए। ये भी कहा जा रहा है कि सीएसके को शुरुआती 5 मैचेस का या तो बैन मिलेगा या तो उनके 5 मैचेस में जो बाकी टीमों को अंक है वो दे दिए जाएंगे। एएनपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।